नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और आप हमारे साथ एक बच्ची को देख रहे हैं। इसका नाम अमला त्रिपाठी है। आप सिवान के लब्ध ख्याति प्राप्त वरीय अधिवक्ता सुभाषकर पांडे की आप नातिन हैं, उनकी बेटी की बेटी हैं। आज अमला का यहाँ आना एक ऐसा सुखद है ताकि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, खासकर जो बच्चियां हैं, वो अपने कैरियर को कैसे बनाएं, क्या करें और उनके लिए राह कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमला ये बताओ, आपने टेंथ कब किया? मेरा टेंथ कंप्लीट हुआ था 2010 में, यहीं सिवान से ही DAV पब्लिक स्कूल कंदवारा ब्रांच। तो मैं शुरू से कंदवारा ब्रांच में ही पढ़ाई की और टेंथ तक वहीं से। फिर ट्वेल्थ कहाँ से? ट्वेल्थ के लिए मैं बनारस शिफ्ट हो गई थी बोर्डिंग स्कूल में। वहाँ से मैंने PMC मेरा सब्जेक्ट था, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, वहाँ से लेके मैंने 2012 में कम्प्लीट किया था। मैं आपको बता दूँ, अमला अभी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे MNC बोलते हैं, उसमें आप CA हैं और आप समझ सकते हैं, आप इस समय बंगलोर में आपका प्रवास है। अभी छठ का मौसम है तो आप यहाँ अपने घर आई हुई थी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने ट्वेल्थ किया तो ये CA कैसे दिमाग में आया, क्योंकि उसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए या उसमें एक अलग तरह की पढ़ाई होती है, तो फिर ये कैसे दिमाग में आया? नहीं, एक्चुअली ये एक मिथ है। CA कोई भी कर सकता है और किसी भी एज में कर सकता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने एज का ही होना ज़रूरी है या ये सब्जेक्ट ही पढ़ना ज़रूरी है। तो आप भी चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। एंड दूसरा, मेरा इंक्लिनेशन, मतलब मेरे को साइंस उतनी कोई 11th 12th मैंने 2 साल दिए, मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया। तो 12th के बाद से डिसीजन लेने का टाइम था, कुछ तो एक स्ट्रीम पकड़नी थी। तो मेरे पास जो भी ऑप्शंस थे, मेरे को ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। और पैरेलली, मतलब ये ऑप्शन घर से अच्छा लगा या बाहर फ्रेंड सर्किल में जो लोग थे उनसे? घर से तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर में दूर दूर तक कोई CA नहीं है, पूरे रिलेटिव्स वगैरह कहीं कोई CA नहीं है। तो घर से तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जो कॉमर्स पढ़ते थे और बहुत अपने फील्ड के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनके थ्रू मेरा थोड़ा सा ऐसे बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स में से टच रहता था 11th 12th से। तो वहाँ से मेरे को ये सब सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स थोड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। तो जब डिसीजन लेना था 11th 12th के, आई थॉट व्हाई नॉट, एक बार ट्राई तो कर ही सकते। एंड ऐसे मतलब मैंने करके स्टार्ट किया CA का। तो इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए क्या शुरू में इनिशियल स्टेज पे क्या आपने किया? इनिशियल 6 months, तो बिकॉज मेरा पूरा साइंस बैकग्राउंड था, तो इनिशियल 6 months का ब्रेक लिया मैंने और पूरी 11th 12th की बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, 11th 12th का पूरा CBSE से थी मैं, तो NCERT का पूरा सिलेबस वो खत्म किया घर पे बैठ के। हाँ, घर पे बैठ के और कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेके, कुछ ट्यूटर्स थे आसपास उनकी हेल्प लेके वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने फुल फ्लेज्ड CA का उसको पढ़ने के समय इंटरेस्ट आने लगा, ऐसा लगा कि मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, हम इसको पिकअप कर लेंगे, पिकअप कर सकते हैं। यस यस, मतलब कॉमर्स इज कॉमन सेंस, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना है। फिर कॉमन सेंस इज गुड, तो कॉमर्स ऐसा मेरे मतलब एटलीस्ट मेरे लिए इतना नहीं था, क्योंकि मेरा मैथ्स पढ़ा हुआ था और 11th 12th में मेरा ठीक ठाक एवरेज मैथ्स थी। तो मेरे को एक्चुअली जब अकाउंट्स पढ़ना चालू किया तो पूरा फ्लो समझ आने लगा, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई ऐसा ऐसा सच की, मतलब वो जो एक टैबू रहता है कि साइंस पढ़ के फिर कॉमर्स क्यों, तो ऐसा मेरे को तो कभी भी फील नहीं हुआ कि कहीं भी मेरे को लैग हो रहा है बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट थी, ऐसा कभी नहीं था। फिर इसके बाद जब बेसिक खत्म हो गई, इसके बाद आगे फिर मैंने CPT प्रिपेयर किया पटना में जाके, एक कोचिंग में 6-7 months दे के। वहाँ पे दिसंबर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, दिसंबर 2012 में,
तो उस समय तक भी थोड़ा डाउट था कि आगे करना है परस्यू नहीं करना है, बट वो हो गया तो फिर था कि अब जब हो गया तो करते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने आईपीसीसी जो नेक्स्ट लेवल होता है उसकी प्रिपरेशन चालू की, तो उसमें मैंने फिर एक ग्रुप दिया, वो उसके लिए मैंने इलाहाबाद से प्रिपरेशन की थी, वहाँ से क्लासेस ली थी, वो एक ग्रुप मेरा क्लियर, वो भी फिर मैंने जब दिया तो फर्स्ट में थ्रू हो गया था। उसके बाद से फिर होती है हमारी 3 साल की इंटर्नशिप, तो उस इंटर्नशिप के टाइम मैंने इनिशियली तो इंटर्नशिप स्टार्ट की इलाहाबाद में ही, लेकिन समाव मेरे को वहाँ का काम अच्छा नहीं लगा, मतलब जिस तरह के क्लाइंट्स उनके पास थे मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया उस क्लाइंट्स में, मेरे को थोड़ा और लार्ज स्केल पे चीज़ें देखनी थी। तो फिर मैंने सिवान मूव बैक किया, सिवान में आके यहाँ पे एक सीए हैं, सीए अनिल सिंह करके, उनके अंदर मैंने आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट की, और उनके यहाँ मेरे को एक ये फ़ायदा था कि वो सिवान में तो उनका प्रेजेंस है, उनकी फर्म दिल्ली में भी है, तो मैं रहती तो घर पे थी लेकिन मेरे को जितना काम मिलता था या जो क्लाइंट्स मेरे थे वो सारे दिल्ली के क्लाइंट्स थे, तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंटली मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था बट एक्सपोजर अच्छा था। तो वैसे मैंने अपनी आर्टिकलशिप ख़त्म की, एंड फाइनल्स तक जब आप क्लासेस के लिए देखने लगते हो तो वो मोस्टली सब ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस ऐसा रहता है, समहाउ मेरे को बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता था वो पूरा ऑनलाइन का सेटअप। तो फिर मैं घर आके मैंने खुद से ही पढ़ना चालू किया, एग्जाम्स देने के लिए फिर मैं जाती थी, एंड देन खुद से यहाँ पे ही रह के मैंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की, एंड देन एग्जाम। आपको मैं बता दूँ कि ये जो सी ए की पढ़ाई है वो 3 साल की है, लेकिन इसने बड़ी मेहनत करके, जैसे इसने बताया भी, पटना, सिवान, दिल्ली और इलाहाबाद करके इन्हें 4 साल, 4.5 साल में इस कोर्स को कंप्लीट किया। तो फॉर्मली करने के बाद पहली जॉब कहाँ मिली? नहीं, एक चीज़ पहले मैं आपको करेक्ट करूँगी, 3 साल की हमारी सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप होती है। okay. पूरा कोर्स होता है 4 years 9 months का, एंड आपको 21 years का मिनिमम होना रहता है चार्टर होल्ड करने के लिए, मेम्बरशिप होल्ड करने के लिए। तो मेरा वही मतलब एग्जैक्टली जो टाइम फ्रेम होता है उसमें ही क्लियर हो गया था। हाँ, क्योंकि मेरा कहीं ब्रेक नहीं लगा है सच। तो पहली जॉब मेरी, मेरे को फिर जब सीए क्वालिफाई हुआ फिर मेरे को 3-4 महीने का ब्रेक लेना पड़ा जॉब स्टार्ट करने के पहले, कुछ हेल्थ इश्यूज को लेके। फिर मेरी पहली जॉब थी बार्क्लेज में, बार्क्लेज यूके का बैंक है, तो वो थी पुणे में, वहाँ पे मैं रिस्क डिवीजन एक होता है उसमें काम करती थी, तो वो मैंने किया कुछ 1.5 साल तक। उसके बाद से फिर मैंने पुणे में ही स्विच किया, दूसरी एक इन्वेस्टमेंट बैंक है क्रेडिट स्विस, वहाँ पे मैं 3 साल थी। क्रेडिट स्विस पूरा वो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वैसा है, तो मेरे साथ मोस्टली जो क्लाइंट्स रहते हैं वो हांगकांग और स्विस वाले क्लाइंट्स रहते हैं। मैंने 3 साल वो किया थ्रू एंड थ्रू, कोविड के टाइम बीच में था तो उसमें भी मैं यहीं से घर से ही काम कर रही थी। देन अभी मैंने क्रेडिट स्विस छोड़ा दिवाली के जस्ट पहले, अभी मेरा ख़त्म हुआ वहाँ का टेनर, एंड अभी दिवाली के बाद, छठ के बाद फिर दूसरी मैं कंपनी ज्वाइन करने वाली हूँ, स्ट्राइप नाम है कंपनी का। तो अभी वो इंडिया में इतना प्रोमिनेंट नहीं है बेसिकली, लेकिन हम सब लोग यूज़ करते हैं उसको, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो बेसिकली हम लोग जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वो सब पेमेंट्स एक पेमेंट गेटवे के थ्रू होके जाती है, वो सारे पेमेंट गेटवे स्ट्राइप बनाता है। अच्छा, मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा, सिवान जैसे छोटे जगह से या गांव की जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि मुझे सीए करना चाहिए या 12th के बाद मुझे एक अच्छा कैरियर चाहिए, क्या वो लड़कियां कर सकती हैं? डेफिनेटली कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। इसमें क्या क्या उनको दिक्कत आएगी, क्या क्या परेशानी होगी, फाइनेंशियल कितना उनको सपोर्ट चाहिए? सीए, अगर स्पेसिफिकली सीए की बात करें तो सीए में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। वन ऑफ द रीजन्स कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था सीए करने में, कि आपकी मतलब पूरी, अगर मैं अपनी 3 साल की पढ़ाई, 4 साल की पढ़ाई जोड़ लूँ तो मेरे पढ़ाई में आई थिंक मुश्किल से शायद 2 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, मुश्किल से। वो भी जो मेरी इंटर्नशिप थी उसमें मैंने, हम लोग को स्टाइपन वगैरह मिलता है तो मैक्सिमम मैंने वहाँ से कवर अप कर लिया था अपने ट्यूशन्स वगैरह का। तो एज सच इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ गाँव के कुछ बच्चों को उतना भी अफोर्ड करना मुश्किल रहता है।
तो वो इशू तो है, बट सीए में अच्छा ये मतलब जैसे ये पढ़ाई के क्रम में बनारस, फिर सिवान, फिर पटना, फिर इलाहाबाद, फिर दिल्ली, ऐसे करने में मतलब कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं होता था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, मैं कैसे पढ़ूंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? शुरू में मतलब मेरा थोड़ा शुरू से एजेंडा क्लियर था दिमाग में कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, तो मेरे को तो कभी इतना नहीं लगा। मम्मी घर वाले थोड़ा शुरू में रहते थे कि कैसे होगा, कैसे करेगी, बट एक बार आप करने लगो तो फिर धीरे धीरे उनको भी कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। अब तो पता ही है उनको, कर ही लेगी, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा लगता है। हाँ, अब आगे और अभी क्या करने का इरादा है? मतलब जॉब के साथ कुछ एकेडमिक या अपने आप को और इन्हांस करने के लिए क्या कुछ करने का इरादा? जॉब जब मैंने चालू की तब से ही मेरा एक फोकस जो रहा या थोड़ा फॉरेन कंट्री में कहीं पढ़ाई। पढ़ाई का मैंने ट्राई तो किया था बीच में हायर स्टडीज़ के लिए, बट वो जो कॉलेजेस में कुछ चाहिए थे वैसा मिला नहीं, तो वो प्लान तो मैंने मतलब ऐसे फुल टाइम MBA तो ड्रॉप कर दिया, बट कुछ ऐसे हायर फिनेंस में ही कुछ ऐसे वन स्टेप अप कोर्सेज होते हैं CFA वगैरह, उसके लिए आई एम प्लानिंग, वो मेरे को करना है वो। एंड वर्क वाइज हो तो जब से मैंने काम करना शुरू किया मेरे को एक चीज़ लगी जो काम और स्किल्स और एक्सपर्टीज के साथ बहुत हेल्प करती है ग्रो करने में, आपका जो इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो कंटिन्यूसली मतलब अभी तक भी मैं उस पर काम करती हूँ। मेरे को लगता है वो आगे भी वो एंडलेस है, वो जब तक काम करना है तब तक उस पर वर्क करना। अच्छा, है आज तक जो अचीवमेंट हुए हैं इसका यहाँ तक पहुँचाने में घर के या घर के बाहर के जो भी लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो यहाँ तक एक लेवल तक ले आने में अपनी उन्होंने भी जो है वो बिल्कुल मेहनत की है, परिश्रम किया है? मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तो नाना नानी थे हमेशा से। नाना नानी में भी सबसे ज़्यादा नानी, मतलब इजी नहीं होता है सिवान जैसे छोटे से शहर से ऐसे किसी को इतना लेवरेज देना कि जाओ ये भी कर लो वो भी कर लो। बहुत इजी है, ग्रेजुएशन करा दो, शादी करा दो, स्पेशली जिस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत मुश्किल नहीं होता उन लोग के लिए कि मेरे को वैसे 22-23 साल की उम्र में शादी करा दी एंड ख़त्म। तो नाना नानी को इतना शुरू से था कि इसको कराना है, जो भी बोला कि ये करना है वो करना है, हाँ ठीक है जाओ करो करो करो, तो उन लोग का सपोर्ट तो सबसे वही आई थिंक था। बाकी मम्मी भी उनके ही वजह से थोड़ा हिम्मत कर पाती थी, तो नाना नानी का नहीं रहता सपोर्ट, स्पेशली अगर नानी का नहीं रहता तब तो नहीं हो सकता था। अच्छा, ये जो आजकल की लड़कियां हैं पढ़ रही हैं, गांव से सिवान आती हैं, कोचिंग करती हैं, पढ़ती हैं, इनके लिए क्या मैसेज होगा जो चाहती हैं अपना कैरियर बनाना, वो चाहती हैं कि हम जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो? मेरे ख्याल से ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए इधर उधर का, तो बहुत लोग बहुत चीज़ बोलते हैं और अंडरमाइन करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, सुनना नहीं चाहिए, अपने हिसाब से करो, अच्छा होगा तब भी तुम्हारा है, बुरा होगा तब भी तुम्हारा है, तो बाद में देख लेंगे ऐसा है। अमला से बहुत बातें हो सकती हैं और इसके पास बहुत बातें करने के लिए भी चीज़ें हैं, बट इतना कहा जा सकता है ये सिवान की बेटी है, और जहां हम नारद मीडिया का ऑफिस है यहीं पर बगल में एक छोटा सा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हम लोगों ने साइकिल चलाते हुए स्कूल से आने के बाद देखा है, और हम लोग के सामने ही जब अगली पीढ़ी एक ऊंचे स्तर पे जाती है और उसके चेहरे पे जो सफलता की जो आभा है वो झलकती, उसे देख के बड़ा ही सुकून होता है, बड़ी खुशी होती है, और ऐसे बेटियों के बारे में कहा जा सकता है जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद नापना आसमान का। तुम नारद मीडिया से बात की, इतने लोगों को संदेश दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।